नमस्कार दोस्तों, आज मेरे पास में ये अल्ट्रा स्लिम का एक वीडियोकॉन का किट आया है सीआरटी का, और इसमें जो प्रॉब्लम बन रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरे पास में जिस कंप्लेंट के लिए आया है, ये कभी 10 मिनट चल जाता है, कभी 15 मिनट चल जाता है, और चलते चलते ही फिर ये ऑफ हो जाता है, यानी कि वापस ये स्टैंड बाई में आ जाता है। तो आज इसी के बारे में हम जानेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मैं इसको ऑन करता हूँ, और ये मल्टीमीटर है मेरे पास में, तो मैंने इसको ऑन किया, और ऑन करने के बाद में ये मैंने ग्राउंड अटैच कर दिया, और अब आप मल्टीमीटर पे देख सकते हैं ये 58.3 वोल्ट आ रहे हैं, 58.3। तो अब मैं इसको स्टैंड बाय से रिलीज करता हूँ, तो आप देख सकते हो स्टैंड बाय से निकला नहीं है। अब वापस मैं स्टैंड बाय से रिलीज करता हूँ, तो आप देख सकते हो अभी भी स्टैंड बाय से रिलीज़ नहीं हुआ है, यानी कि स्टैंड बाय से रिलीज होने में भी इसको प्रॉब्लम बन रही है। तो चलिए इसकी सप्लाई हम पहले चेक कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हो जो हमारी सप्लाई बन रही है, ये भी परफेक्टली बन रही है। तो हम ये सप्लाई चेक कर लेते हैं, तो ये सप्लाई भी हमारी सही है, तो मैं कोशिश करता हूँ इसको स्टैंड बाय से रिलीज करने की। एक बार वापस ऑफ करके ऑन करते हैं, तो ये मैंने ऑफ किया, ये मैंने ऑन किया, तो आप देख सकते हो अब ये स्टैंड बाय से रिलीज हो गया है। ये आप देख सकते हो ये स्टैंड बाय से रिलीज हो चुका है। इसकी जो कंप्लेंट थी ये यही थी कि प्रॉपर्ली चलते चलते बंद हो जाता है। तो दोस्तों, हम अब चेक करेंगे यहाँ की सप्लाई। तो यहाँ की सप्लाई हमारे को जो मिल रही है ये ठीक है, लेकिन ये फ्लेक्शन कर रही है सप्लाई। तो दोस्तों, अधिकांश जो इसकी कंप्लेंट बनती है वो इसी ट्रांजिस्टर से बनती है। तो ये आपको मैं बीओएस पे दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हो। तो दोस्तों, हम इस ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर देंगे ताकि ये प्रॉब्लम वापस ना बने इसमें। तो चलिए मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ, वीडियो पॉज कर देता हूँ। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हो मैंने ये ट्रांजिस्टर जो है ये रिप्लेस कर दिया है, और अब हम इसकी एक बार वापस सप्लाई चेक करेंगे। तो इसे मैं सेट को ऑन करता हूँ, ये मैंने सेट को ऑन किया, और अब हम एक बार वापस इसकी सप्लाई चेक कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे को वोल्टेज कुछ अलग मिले हैं चेंज करने के बाद। ये 5.10 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, और अब मैं इसको स्टैंड बाय से
रिलीज करके दिखाता हूँ आपको, ये आप देख सकते हो, ये इसकी जो 110 की सप्लाई बनेगी ये स्टैंड बाई से रिलीज होने के बाद बनेगी। तो चलिए मैं इसको स्टैंड बाई से रिलीज करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो स्टैंड बाई से ये रिलीज हो चुका है एक बार में, और यहाँ पे आप वोल्टेज अब देख सकते हो प्रॉपरली कितना है। पाँच पॉइंट 43 वोल्ट, और ये परफेक्ट वोल्टेज है। और इसकी जो प्रॉब्लम बनती है वो इसी ट्रांजिस्टर से बनती है। और आप देख सकते हो ये स्टैंड बाई से परफेक्टली एक बार में निकल चुका है, और अब ये सेट जो है कंटिन्यू रनिंग में भी रहेगा, और ये सेट 10-15 मिनट बाद में ऑफ भी नहीं होगा। तो इस किट में अगर ये सब फॉल्ट आता है तो ये ट्रांजिस्टर आप रिप्लेस करें, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो सकती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर और लाइक करें और कमेंट्स करें, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।